की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गढ़वा जिला अंतर्गत डंडा थाना क्षेत्र से कल शाम में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था। इसमें डंडा थाना के एक पुलिसकर्मी ग्रामीण को भद्दी भद्दी गाली देते हुए रिकॉर्ड किया गया था, जिसका नाम राहुल कुमार यादव बताया जा रहा है। कल शाम में अत्यंत निंदनीय वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रमोद चौधरी द्वारा डाला गया था, जिनका छोटा सा दुकान डंडा थाना परिसर के समीप लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। वीडियो में साफ साफ देखा और सुना जा रहा है कि पुलिसकर्मी राहुल कुमार यादव ने शराब के नशे में जिस तरह माँ बहन की गाली दे रहा है और घर को भी जलाने के लिए बात कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से डंडा की जनता और जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंची। उसके बाद सुबह 4 अगस्त 2022 को डंडा थाना परिसर के सामने प्रतिरोध मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी की उपस्थिति में जन अदालत में राहुल कुमार यादव को बुलाया गया। इसमें अपनी गलती को राहुल कुमार यादव ने स्वीकार किया, जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद जिस महिला के साथ गाली गलौज की थी उनके पैर पकड़कर माफी मांगने का काम किया। इतना सब करने के बावजूद भी डंडा की जनता ने माफ नहीं किया और उसकी बर्खास्तगी के लिए डंडा थाना प्रभारी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक गढ़वा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि कैसे आमजनों की रक्षा में लगाए गए रक्षक आज आमजनों के भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसे अत्याचारी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया जाए, इससे भ्रष्ट अत्याचारी पुलिसकर्मी पर अंकुश लगाया जा सके और जनता के दिलों में शासन प्रशासन के लिए सम्मान और विश्वास बढ़ाया जा सके। इस मौके पर डंडा जिला परिषद सदस्य अजय कुमार चौधरी उप अजय मेटल के नेतृत्व में डंडा प्रमुख पति श्री चंदन चौधरी, डंडा मुखिया पति अनिल कुमार चौधरी, पूर्व मुखिया सह विधायक प्रतिनिधि कामेश्वर चौधरी, पंचायत समिति बहादुर चौधरी, पंचायत समिति सदस्य नंदू चौधरी, 20 सूत्रीय डंडा प्रखंड अध्यक्ष विजय चौधरी, श्यामलाल मलाह, कामाख्या चौधरी, उपेंद्र चौधरी, कैलाश चौधरी, वार्ड सदस्य सत्येंद्र चौधरी सहित सैकड़ों आक्रोशित जनता जनार्दन विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। ये महिला के साथ अत्याचार हम के तरफ होगा और आओ तरफ तो होगा। चलिए आओ, जगह जाएगा तो वही हाल। चलिए एक बार आओ, अति चल गए हैं क्रॉस करोगे तो रास्ता ही बचेगा। उससे अच्छा हम तो यही चाहना कारा चाह रहे हैं कि बस डिस्चार्ज हो। चलिए चलिए ठीक है, यही झोपड़ी है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बगल में ही रहती है, इन्हीं के बगल में। साहब देखिए, दुकान में भी कोई लेडीज जाता है दुकान में भी जाने से मना करते हैं, बोलते हैं लेडीज हरामी कहाँ से आया है। लेडीज जो बच्चा जो इसका हस्बैंड घर में नहीं है, वो तो बच्चा है तो बच्चा को तो वहाँ जाएगी ना, भरने उसका कुछ नहीं जाएगा। वो भी जाने से पुल पर गए थे, वहाँ भी झाड़ा किए थे, वहाँ भी अति गलती किए तो वहाँ से दिन से अच्छी किए। वहाँ से फिर आने के बाद 3 दिन से इसको पास हो रहा है झगड़ा, तो यहाँ से बढ़ाए हैं, इसको कार्रवाई करके इसको भेजा जाए यहाँ से। मैंने पुलिस वाले आपके घर पर आन के दबाते हैं कि घर पर भी दबाते हैं, दुकान में भी कोई जाता है, ठेला पर भी जाते हैं और लोग वहाँ भी गाली देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाली क्या कह के देते हैं? गाली क्यों देते हैं? बोलते हैं कि लेडीज लोग क्यों यहाँ थाना पर होटल पर आ रहा है, क्यों जा रहा है ठेला पर, लेडीज को देखना नहीं चाहते हैं। लेडीज को जो जेंट्स नहीं है सर, वो जेंट्स तो नहीं है तो कल लेडीज ना भरने जाएगा, बच्चे लोग खा रहे तो लेडीज तो जाएगा भरने, मगर ये सिपाही को ये बोलने को तरीका अच्छा नहीं है। कार्रवाई क्या यहाँ से कार्रवाई करने हो जाए, यहाँ थाना से इसको। चलिए हमारे बीच एक और यानी कि जुड़ चुके हैं और इनसे कल 4 बजे की जो घटना है, डंडा थाना के कुछ पुलिस राहुल कुमार यादव जी के द्वारा जो प्रमोद चौधरी मुनि देवी चाचा उनके सिराज चौधरी के साथ जो मतबेजी किया गया है, वो कहने के ही समझिए जो बिल्कुल इस कानून का रक्षक करने वाले पुलिस बल का जो राहुल कुमार यादव जी है, बहुत कहे जो गलत रवैया, जो बात अभद्र व्यवहार भाषा का जो प्रयोग किया है जनता के बीच, जो सोशल मीडिया पर जरिए जो ग्रुप के जरिए जो जाना गया, निंदनीय बहुत है। बल्कि हम लोग इस डंडा थाना प्रभारी और गढ़वा पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं जो ऐसा डंडा थाना में पुलिस बल का बिल्कुल यहाँ से कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करनी चाहिए और जनता की जो हिफाजत के लिए आप बात करते हैं, कानून की हिफाजत के लिए बात करते हैं, बिल्कुल कहे जो कहें नहीं कहीं उनका इस कानून का जो संविधान का जो रवैया जो उल्टा जो असंवैधानिक तौर पर किया गया है,
उससे जनता संतुष्ट है। कैसे इस संविधान और कानून को रक्षा करना है, इनका कोई इस पे सोच समझ नहीं है, बल्कि इनके ये रवैया है जो कैसे जनता डंडा की जनता पर जुल्म और शोषण किया जाए, ऐसा मनोबल बढ़ाने वाले